नमस्कार, नीतिश कुकिंग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने कोई रेसिपी लेकर के नहीं आई हूँ, बल्कि आज मैं आपके सामने शेयर करने वाली हूँ मेरी नई किचन का वीडियो, जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। ये मेरा जो है एक ऑर्गेनाइज किचन का वीडियो नहीं है, बल्कि केवल एक किचन की डिजाइन का वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। क्या पता आप कोई नई किचन बनाने के प्लान कर रहे हैं, या अपनी किचन को हो सकता है रेनोवेट करने का मूड बना रहे हैं, तो ये किचन का जो मेरा वीडियो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। किचन के लिए मैंने कोई इंटीरियर नहीं लिया है, मैंने ये जो बनवाया है सारा मेरा ही डिजाइन किया हुआ है। मैंने जैसे जैसे बताया मेरे कारपेंटर ने, बिल्कुल वैसे वैसे ही बनाता चला गया वो। बिल्कुल जैसे मैंने बोला ना उसको, मैंने कहा भैया मुझे यहाँ ये चाहिए, यहाँ ये चाहिए, तो बिल्कुल एग्जैक्टली उसने वैसा ही किया। क्योंकि मेरे पास इतना बजट नहीं था फ्रेंड्स कि मैं जो है किसी इंटीरियर वाले को ये डिजाइन करने के लिए देती, तो मेरे हस्बैंड ने कहा जो लिमिटेड बजट दिया था कि उसी में 4 BHK में तुम्हें वुडवर्क कराना है, उसमें किचन बनाओ, पूरे घर में वुडवर्क कराओ, कुछ भी कराओ तुम्हारी मर्जी। मैंने अपनी किचन का पूरा इंटीरियर व्हाइट कलर का करवाया है, क्योंकि मुझे व्हाइट कलर का किचन बनाने की बहुत दिनों से इच्छा थी कि किचन एकदम व्हाइट होना चाहिए। व्हाइट कलर का जो किचन होता है वो एक्चुअली बहुत बड़ा भी लगता है और बहुत मतलब ब्राइट भी लगता है देख के, और कूल भी लगता है काफी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बिना देर के दिखाती हूँ कि मेरा किचन स्टार्ट कहाँ से होता है, मेरे घर के अंदर। तो चलिए मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे मकान का ये एंट्रेंस है जो अभी डेकोरेट बिल्कुल भी नहीं हुआ है, क्योंकि जस्ट अभी अभी मैं मकान में शिफ्ट हुई हूँ। और जो है यहाँ से हम एंटर होते हैं और ये है मेरा ड्राइंग रूम। तो ये है मेरा ड्राइंग रूम जो मैंने, इसको भी अभी डेकोरेट नहीं किया है, इसको मैं बाद में डेकोरेट करूंगी। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ किचन के, यहाँ से किचन कैसे आता है ये हम चल के आते हैं। और यहाँ आने के बाद ये है मेरा डाइनिंग स्पेस, इसको भी मैंने अंदर से वाइट कर रखने की कोशिश की है, क्योंकि मुझे लाइट कलर बहुत अच्छे लगते हैं, घर बहुत बड़ा बड़ा लगता है। और ये देखिए, ये है मेरा सामने किचन, और इसके राइट साइड में आपको दिख रहा है ये इसमें हमारे है यूटिलिटी एरिया। और पहले आता है मेरी किचन के अंदर, ये मेरा साइड बाय साइड हायर का फ्रिज, जिसके ऊपर मैं अपना वीडियो पूरा पहले से ही डाल चुकी हूँ। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका देख सकते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, एंट्री करते ही सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे ये 2 लैंप्स। ये मैंने हमारे जो लोकल मार्केट होता है वहीं से मैं परचेस करके लेकर के आई हूँ, तो ये मुझे बहुत ही प्यारे लगे। पूरा किचन मेरा व्हाइट कलर का है, लेकिन मैंने इसकी एंट्रेंस को जो है इस तरह से ये ब्राउन कलर का लुक दिया है, ताकि ये थोड़ा सा हाईलाइट हो सके। ये वाला टेक्सचर लेमिनेट है, बाकी पूरी किचन में ग्लॉसी लेमिनेट। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पर, मेरा विचार था एक ब्रेकफास्ट काउंटर बनवाने का। मैं सोच रही थी कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक ब्रेकफास्ट काउंटर बनाऊंगी, लेकिन अगर मैं काउंटर बना लेती तो ये मेरी जो ओपन किचन है ये ओपन नहीं रहती, और ये बस इसकी एंट्रेंस इतनी सी रह जाती, तो वो बहुत अच्छी भी नहीं लगती एक तो, और दूसरा कंजेस्टेड भी हो जाती। और ये मेरी जो मैंने पेंट्री यूनिट बनवाई है ना, तो ये भी नहीं बन पाती, इस वजह से मैंने ब्रेकफास्ट काउंटर कैंसिल कर दिया, वो भी बहुत अच्छा लगता है अलग। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा एल शेप किचन, और इसमें मैंने, अगर मैं लेमिनेट की बात करूँ यहाँ पर, तो मैंने एकदम व्हाइट कलर का लेमिनेट यूज किया है। और ये मेरा हैंडललेस किचन है, जिसमें मैंने हैंडल बिल्कुल भी यूज नहीं किए हैं। हैंडललेस जो है किचन बनाने का मकसद मेरा ये था कि जब हम यहाँ पर काम करते हैं इस तरह से किचन की स्लैब पर खड़े होकर के, तो ये हैंडल जो है हमारे कपड़ों में उलझते हैं बहुत ज़्यादा, और जो है बीच बीच में जो है हर्डल भी पैदा होता है, तो मैंने इसको हैंडललेस बनाया है। तो किचन को हैंडललेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये यूज़ किया है। ये है, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स जी प्रोफाइल, और ये जी प्रोफाइल जो है मैंने कॉपर कलर में यूज़ किया है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ये मैंने बनाया है माइक्रोवेव का यूनिट, जो मुझे बेहद पसंद आता है। इसमें मैंने नीचे रखा है अपना माइक्रोवेव ओवन, जो पुराना है, मैंने बिल्कुल भी नया नहीं खरीदा है। और इसमें देखिए, मैंने ये पीछे जो है एक सॉकेट लगवा दिया है, ताकि जो है यहाँ से ही मैं इसका कनेक्शन ले सकूँ। और माइक्रोवेव का जब मैं काम करती हूँ तो इसमें हीट बहुत ज़्यादा आती है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर इसमें, ये देखिए यहाँ पर कुछ स्टील की इस तरह से जाली लगवाई है वेंटिलेशन के लिए, ताकि इसकी जो गर्म हवा है हाथों हाथ ही यहाँ से इसमें से निकल के बाहर चली जाएगी। तो ये मेरा जो माइक्रोवेव का यूनिट है, इसमें एक शेल्फ तो ये वाला हो गया है, और दूसरा वाला शेल्फ है ये वाला, जो कि बहुत ही बड़ा है और काफ़ी सारा स्पेशियस है। इसमें मैं अपना OTG रखूँगी, मेरे पास है नहीं, पुराना OTG है, पर मैं वही रखूँगी। अभी मैंने क्लीन नहीं किया उसको, इसलिए मैंने रखा नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अभी अभी हम शिफ्ट हुए हैं, उसको क्लीन करके मैं रखूँगी यहाँ पर।
और साथ ही मैं यहाँ पे रख सकती हूँ मिक्सी, मिक्सी के जार वगैरह, ताकि वो गंदे नहीं हो, जब उनको यूज़ करना है तो हम उसको स्लैब पर निकाल सकते हैं। और बाकी यहाँ पर हम बहुत सारा सामान रख सकते हैं, जो इस तरह के मिक्सी के काफ़ी सारे जो अटैचमेंट्स आते हैं वो भी हम इसमें रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो इसमें जो हार्डवेयर जो मैंने यूज़ किया है, ये मैंने सॉफ्ट क्लोजिंग लगवाए हैं, लेकिन ये ब्रांडेड बिल्कुल भी नहीं है, बस मैंने सॉफ्ट क्लोजिंग लगवाया है ताकि जब बंद होता है तो ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट होता है, ये देख सकते हैं आप। बस आप इसको ऐसे छोड़ दीजिए तो बहुत ही इजी बिल्कुल सॉफ्ट क्लोज होगा। उसके बाद जो मेन काउंटर आता है, सबसे पहले अगर हम इस काउंटर की बात करें तो ये मेरा फेवरेट काउंटर है। एक्चुअली फ्रेंड्स, जो बिल्डर ने हमें ये दिया था यहाँ पर, तो ग्रेनाइट लगा के दिया था। जनरली आप जो है किचन में देखेंगे 80% आपको ये दिखेगा कि जो है ग्रेनाइट ही यूज करते हैं। तो लेकिन क्योंकि मेरा किचन का इंटीरियर पूरा व्हाइट था, तो मैंने यहाँ पे काउंटर भी व्हाइट लिया है। तो काउंटर है फ्रेंड्स, जब मेरा बनवाया था मैंने, तो इसके नीचे मैंने ग्रेनाइट था, तो मैंने अपने जो है कारपेंटर भैया जो है मेरे, उन्होंने ये सब कुछ अरेंज किया है मेरे लिए। मैं उनको थैंक्स देना चाहती हूँ मेरे वीडियो के जो है थ्रू। तो फ्रेंड्स, इस पे जो ग्रेनाइट था, उन्होंने क्या किया कि इसके ऊपर ये जो है तोड़ा फोड़ी हमने बिल्कुल नहीं की किचन में, ग्रेनाइट के ऊपर ही हमने ये काउंटर को पेस्ट कर दिया। एक केमिकल आता है उससे ये पेस्ट हो जाता है। ये जो स्टोन है इसका नाम है क्वार्ट्ज, या G5 नैनोवाइट भी इसको बोलते हैं। ये जो है इंजीनियर्स स्टोन कहलाता है और काफी हार्ड होता है, तो इसके लिए कोई स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ती है। अगर आप लगाएं तो ये किसी स्किल्ड लेबर से ही लगवाएं। तो ये जो काउंटर है, अगर आप सोच रहे हैं कि ये व्हाइट कलर का काउंटर है तो इस पे स्टेन भी आएंगे और इस पे स्क्रैचेस भी आएंगे, और क्या पता हम इस पे कोई चीज गर्म रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। बिल्कुल रख सकते हैं इस पे कोई भी गर्म चीज़, इस पे हल्दी वगैरह के दाग भी नहीं आते, क्योंकि ये जो स्टोन होता है वो पोरस नहीं होता है, इसकी वजह से कोई भी स्टेन को ये एब्जॉर्ब नहीं करता और ऊपर की सरफेस पर ही रहते हैं स्टेन। आप इजीली उनको क्लीन कर सकते हैं। बिल्कुल शीशे की तरह चमकता है ये स्टोन। देखिए आप ऊपर की लाइट का भी इस पे रिफ्लेक्शन कितना अच्छा पड़ रहा है और एकदम साफ़ सुथरा दिखता है। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने नीचे की तरफ लगाई है प्रोफाइल लाइट। इससे क्या हो गया कि ये पूरा देखिए बहुत ही प्यारा जो है मेरा ये किचन लग रहा है इसकी वजह से, और काफी उजाला भी हो गया है यहाँ पर मेरी। ये जो टाइल्स हैं इसको मैंने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया है और ये हमें बिल्डर ने प्रोवाइड कराई थी और मुझे बहुत ही अच्छी लगी, मेरे इंटीरियर से भी मैच हो गई है। अब मैं बात करती हूँ सबसे पहले मेरे काउंटर के ऊपर, ये मेरा है कुकटॉप जो कि बहुत ही पुराना है, मैंने बिल्कुल भी नया नहीं खरीदा है, क्योंकि जरूरत ही नहीं थी नहीं खरीदने की, बजट भी नहीं था जैसे मैंने आपको बताया। इस कुकटॉप के ऊपर मैंने यहाँ चिमनी लगवाई है, और ये चिमनी मैंने नई खरीदी है क्योंकि मेरे पास पहले चिमनी नहीं थी किचन में। चिमनी मैंने फेबर की यूज़ की है, ऑटो क्लीन है, फिल्टर लेस है, इसको आपको बार बार क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, वरना चिमनी को महीने में एक बार क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें नीचे की तरफ एक ट्रे लगी हुई है जिसमें सारा ऑयल कलेक्ट हो जाता है, और इसमें एक बटन है ऊपर जिस पर आप ऑन करेंगे तो ये अपने आप ही क्लीन हो जाएगी और ये बहुत ही आसानी से वापस लग भी जाता है। इस चिमनी के दोनों तरफ मैंने दो जो कैबिनेट बनाए हैं, ये दोनों कैबिनेट मैंने ग्लास वाले कैबिनेट बनाए हैं, ये भी ग्लास वाला है, ये भी ग्लास वाला, ताकि हम यहाँ पर कुछ जो डेली यूज़ वाली जो क्रॉकरी होती है वो हम रख सकते हैं, जो दिखने में भी अच्छी लगेगी। इसके अलावा मैंने इसके अंदर लगवाए हैं ये हाइड्रोलिक पंप, जिसकी वजह से ये बहुत ही स्लो एकदम ओपन होता है बहुत धीरे धीरे। और इसमें देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लाइट लगवाई है। ये लाइट मैंने अमेजोन से परचेज की थी, आप इसका लिंक चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो इससे क्या है, ये क्रॉकरी जो है ना थोड़ी सी हाईलाइट हो जाएगी क्योंकि ग्लास भी लगा हुआ है इसके अंदर। उसके बाद जो है फ्रेंड्स, ये ऊपर वाला जो है कैबिनेट है, ये इसमें भी मैंने उसी तरह से लगाया है, ये भी बिल्कुल सॉफ्ट क्लोजिंग है। यहाँ पर मैं अपनी दालें वगैरह रखने वाली हूँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा काम आती है रोजाना, ताकि जैसे हम यहाँ काम करें फटाफट से यहाँ से हम अपने कंटेनर्स उतार सकते हैं। इसके बाद आता है ये चिमनी वाला जो पोर्शन है, इसको हमने अच्छे से कवर करवा दिया है, तो उससे चिमनी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। जब आपको रिपेयर करनी हो तो आप इसको रिपेयर कर सकते हैं, ये पूरा इसके अंदर ये देखिए, और चिमनी को हमने अच्छे से यहाँ से ये ऊपर से भी कवर करवा दिया है, ये पूरा ये देखिए पूरा वो ऊपर तक कवर करा दिया, और मैचिंग का लेमिनेट यूज किया है हमने। इस चिमनी के बाद ये राइट साइड वाला है, जो बिल्कुल लेफ्ट वाले की तरह ये सेम वही है, इसके अंदर जो मैंने ग्लास लगवाया है ये देखिए, इसके अंदर भी मैं क्रॉकरी रखने वाली। इसके ऊपर वाला जो कैबिनेट है वो भी बिल्कुल इसी तरह खुलता है, और इसमें मैं रखने वाली हूँ मसाले। मसाले हमारे डेली काम आते हैं, तो उसके अंदर मैं ये सब कुछ यहाँ पे मसाले रखूंगी इस वाले शेल्फ के अंदर। इसके बाद अगर हम बात करें फ्रेंड्स, अभी मैं आपको सारा ऊपर वाले कैबिनेट जो है वो दिखा रही हूँ, उसके बाद हम नीचे वाले कैबिनेट देखेंगे, फिर उसके बाद आता है ये मेरा कॉर्नर वाला शेल्फ।
ये शेल्फ खास है जो कॉर्नर शेल्फ मैंने यहाँ पर बनवाया है। क्योंकि ये इसमें आप यहाँ से लेकर के वहां पीछे तक रख सकते हैं, और ऊपर वाला भी ऐसा है, ये बीच में मैंने इसमें कोई पार्टीशन नहीं दिया है क्योंकि आसानी होगी निकालने में। इसको हम यहाँ से भी फ्रेंड्स निकाल सकते हैं, ये देखिए यहाँ से भी ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो आप यहाँ से भी सामान निकाल सकते हैं और इस तरफ से भी सामान निकाल सकते हैं इजीली। और ये है बहुत ही प्यारा सा कॉर्नर शेल्फ जहाँ मेरे कान्हा जी विराजमान है जो मेरे साथ हमेशा किचन में रहते हैं। सबसे पहले मैं इन्हीं को भोग लगाती हूँ। ये जो मेरा स्टोन थोड़ा सा बच गया था तो स्क्वायर शेप का था, तो मैंने उनको कारीगर जो थे मेरे उनसे बोला मुझे ये दो ट्रायंगल बना के दे दो, तो उन्होंने इस तरह से गोल शेप में के दो कॉर्नर लगा दिए यहाँ आसपास। कॉर्नर शेल्फ के बाद आता है ये वाला कैबिनेट। ये वाला जो कैबिनेट है इसमें भी काफी ज्यादा स्पेस है हमारे किचन में, जो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, इसके अलावा जो हम स्नैक्स वगैरह भी यहाँ पे रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, बहुत ही स्पेशियस है ये। तो नेक्स्ट कैबिनेट आता है ये सिंक के ऊपर वाला कैबिनेट। इसमें मैंने अभी कुछ भी नहीं किया है, बस एक ये इंस्टेंट गीजर लगा रखा है इसके अंदर, क्योंकि ये तो मेरा बहुत ही पुराना है इसलिए थोड़ा सा लुक अच्छा नहीं दिख रहा है इस गीजर का। उसके बाद हम बात करते हैं किचन के सिंक की। तो फ्रेंड्स ये है किचन का सिंक। यहाँ पर बिल्डर ने बड़ा वाला सिंक लगा के दिया था, तो वो वाला जो सिंक है फ्रेंड्स वो मैंने हटा करके मेरे यूटिलिटी एरिया में लगा दिया है, क्योंकि हमारे को बिल्डर ने किचन के साथ एक यूटिलिटी एरिया दिया है, तो बाई वगैरह जो बर्तन धोने का काम है वो सब उसमें करेंगी और किचन आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन और साफ सुथरा भी रहेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये छोटे साइज का सिंक लगवाया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे बर्तन नहीं धुलने वाले हैं बिल्कुल भी, केवल हम यहाँ पे हाथ धोएंगे और सब्जी वगैरह धोने के काम आएगा ये सिंक। ये जो आपको टैप दिखाई दे रहा है ये बिल्डर ने जो है हमें एक आरओ जो है पूरी बिल्डिंग में सप्लाई दी है आरओ वाटर की, तो ये बिल्डिंग का जो है आरओ पानी आता है यहाँ से, इसीलिए आपको लग रहा होगा कि मैंने इसमें ऊपर वाले शेल्फ के अंदर आरओ आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं नीचे वाले हमारे कैबिनेट्स की। तो सबसे पहले आता है ये डस्टबिन वाला कैबिनेट। ये जो कैबिनेट है इसमें मैंने डस्टबिन नहीं रखा है, वो मैं यूटिलिटी एरिया में रखूंगी। यहाँ मैंने मूवेबल बास्केट रखी है जिसमें हम किचन के लिए स्पंज, लिक्विड सोप और साबुन वगैरह जो भी होते हैं वो सब यहाँ पे मैं रखूंगी। अब आता है ये नीचे वाला कॉर्नर कैबिनेट, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे कोई मैजिक कॉर्नर नहीं लगवाया है क्योंकि वो बहुत ही कॉस्टली होता है और स्पेस भी बहुत ज़्यादा घेरता है, तो इसको शेल्फ को मैंने ऐसे ही रखा है। और साइड में मैंने एक शेल्फ लगवा दिया है जहाँ पे हम बहुत सारा सामान रख सकते हैं, एक डीप है काफ़ी। इसके अंदर मैं यहाँ पर एक रैक लगाने वाली हूँ, जो ग्लास लेड ऑर्गेनाइजर या जो नॉन स्टिक के जो पैंस होते हैं, वो जो ऑर्गेनाइजर होते हैं ना, वो मैंने देखे हैं पसंद करके रखे हैं, वो मैं लगाऊंगी, तो वो काफी बड़ा होता है, तो उसके लिए मैंने ये जगह छोड़ी। कॉर्नर वाले कैबिनेट के बाद जो बारी आती है वो है ये सिलेंडर वाला जो कैबिनेट है ये। हालांकि मेरे पास यूटिलिटी एरिया भी है तो मैं उसमें भी सिलेंडर रख सकती थी, पर उससे बहुत ज्यादा मुझे इसका कनेक्शन लेके जाना पड़ता वहां से घुमा के, तो मैंने ये सिलेंडर के लिए रख लिया है। फ्रेंड्स मेरा जो है सबसे ज्यादा फेवरेट है वो है पुल आउट, मुझे पुल आउट बहुत पसंद आते हैं, तो ये मैंने पुल आउट लिया है। तो फ्रेंड्स ये मैंने एक पुल आउट लिया है क्योंकि मैं यहाँ पे किचन में खाना बनाऊंगी, तो यहाँ पर मैं तेल घी और उसके कंटेनर रख सकती हूँ एक्स्ट्रा वगैरह, जो भी हमारे जो बॉटल्स होते हैं किचन में, कुछ लिक्विड जो सामान होता है वो हम इसके अंदर रख सकते हैं, तो ये मैंने एक पुल आउट लिया है। उसके बाद मैंने ये दो जो है छोटे साइज की ड्रॉर ली है, दो मीडियम साइज की और दो बड़े साइज की ड्रॉर ली है। तो ये जो ड्रॉर है फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों कटलरी बनाया है इसके अंदर, इस ड्रॉर इसमें जो लिए, और ये मैंने टैंडम ड्रॉर लिए है, और क्योंकि जो पहले की जो टाइम पे चलती थी वो स्टील बास्केट जो चला करती थी, अब वो बिल्कुल भी ट्रेंड में नहीं है, क्योंकि वो उनको क्लीन करना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। ये क्या होता है कि ये इजीली इसको बाहर निकल जाती है ये कटलरी, और इसको हम साफ कर करके और वापस इसमें रख सकते हैं। ये दो कटलरी ट्रे जो मैंने यूज कर ली है यहाँ पर, वो मैंने दो कटलरी ट्रे लिए क्योंकि ये तो मेरी रेगुलर कटलरी है जिसको मैं रोज यूज करूंगी, यहाँ पे रखूंगी और यहाँ पर मैं रखूंगी अपनी वीडियो वाली कटलरी। उसके बाद जो मैंने नीचे वाला जो ड्रॉर लिया है मीडियम साइज का, इस ड्रॉर के अंदर फ्रेंड्स ये देखिए मैंने ऐसे ये इस तरह से ये थाली रखने के लिए, मीडियम साइज की थाली रखने के लिए इसमें लगा दिया। इसको हम इधर उधर सरका सकते हैं, इधर सरका सकते हैं, इधर भी सरका सकते हैं, और इसको कभी भी निकाल करके हम क्लीन भी कर सकते हैं। और स्टील बास्केट अगर लगाते हैं तो उनको बहुत ही मुश्किल आती है साफ करने में, हम चाहे तो यहाँ पे थाली ना रख करके कुछ और भी रख सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। सेम ऐसे कैसे ही मैंने ये नीचे वाला बड़ा वाला, काफी बड़ा कैबिनेट है जिसमें हम डिनर प्लेट बड़ी वाली रख सकते हैं, इसमें हम मीडियम साइज की रख सकते हैं, जिसमें हम बड़ी वाली रख सकते हैं। उसके बाद आता है एक और पुल आउट।
इसमें भी मैं कंटेनर्स रखने वाली हूँ, जैसे कि अचार के जो खास तौर पे जो अचार के जो हमारे जो कंटेनर होते हैं ना, वो मैं इसमें रखने वाली हूँ ताकि इजीली सारी दिखाई देंगे दोनों तरफ से बहुत ही अच्छे से। तो फ्रेंड्स, इस पुल आउट के बाद नंबर आता है मेरा इस वाली ड्रॉर का। ये जो मैंने ड्रॉर ली है फ्रेंड्स, ये वाली जो है माइक्रोवेव के नीचे है, तो इसमें मैं माइक्रोवेव से रिलेटेड सारा सामान रखने वाली हूँ। और मैंने माइक्रोवेव से रिलेटेड सामान रखने के लिए एक और यहाँ पे नीचे बड़ा वाला जो है कैबिनेट दिया है, जिसमें मैं बड़े बड़े अपने सारे सामान रख सकती हूँ। बेक करने के लिए काफ़ी सारे सामान होते हैं, या हम चाहें तो यहाँ पे जो हमारा आटे का जो कंटेनर होता है वो भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आपको मैंने अपना राइट साइड वाला सारा अपर शेल्फ और लोअर कैबिनेट्स और लोअर ड्रॉअर वगैरह सारी बताई हैं। अब ये जो लेफ्ट वाला है ना, ये मेरा फेवरेट है और ये मैंने बनवाई है अपनी पूरी पेंट्री यूनिट, क्योंकि ये एक्स्ट्रा जो हमारे घर में ग्रॉसरी वगैरह लेके आते हैं वो हमारे रखने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं होती और हम इधर उधर घुसाते रहते हैं, कभी स्टोर में कभी कहीं। तो ये मेरी पेंट्री यूनिट है और मार्केट में अगर आप इसको बनी बनाई पेंट्री यूनिट या इसको बोलते हैं टॉल यूनिट, तो वो बहुत ही महंगी आती है, लगभग 50,000 के ऊपर आती है। पर मैंने ये जो है इस जगह को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लिया है। मैंने अपने कारपेंटर भैया से बोला कि मुझे यहाँ पर एक टॉल यूनिट या पेंट्री यूनिट बना के दो, तो एक बार उनको समझ में नहीं आया तो मैंने काफ़ी सारे उनको पिक्स दिखाए और सब समझाया उनको कि मुझे कैसे बनाया। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने मेरे को ये कैसे, मैंने इसको डिज़ाइन करके उनको दिया और उन्होंने उसको बनाया। तो ये पूरा एक लंबा सा है, बीच में मैंने इस तरह से एक खुला हुआ दे दिया है ताकि हम रास्ते चलते हमें कुछ रखना हो यहाँ पर, या फिर हमें मिक्सी भी रखनी हो तो वो भी रख सकते हैं, या फिर हम कुछ भी अपने डिज़ाइनर जो हमारे कंटेनर होते हैं वो भी रख सकते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें हैंडल बिल्कुल भी नहीं है, ये इस तरह से नीचे से खुल जाता है। ये देखिए, इसके अंदर इस तरह से शेल्फ दिए हैं जहाँ पर आप कुछ भी सामान रख सकते हो, क्रॉकरी भी रख सकते हो, यहाँ पर एक्स्ट्रा जो आपके बर्तन है वो रख सकते हैं, मिक्सी के जार भी बहुत सारे होते हैं अटैचमेंट, वो भी रख सकते हैं। सेम ऐसे किसी नीचे वाला कैबिनेट भी दिया है, ये पूरा लंबा कैबिनेट है जिसमें काफ़ी सारे शेल्फ हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मेरा फेवरेट पुल आउट, जो बहुत ही खूबसूरत भी बनवाया है मैंने। ये देखिए, आपको विश्वास भी नहीं होगा कि यहाँ पर कोई और पुल आउट भी है। इसको मैंने सामने से ओपनिंग ना दे करके और मैंने इसको साइड से ओपनिंग दी है, क्योंकि ये है हमारी किचन का यूटिलिटी एरिया, तो आप उधर से भी सामान निकाल सकते हैं, इधर से भी निकाल सकते हैं, तो इस तरह से ये खुलते हैं। ये देखिए आप, ये देखिए, इसमें मैंने ग्लास लगवाया है यहाँ पर ताकि इसकी ब्यूटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इसमें काफ़ी लंबी लंबी बॉटल्स रख सकते हैं, हमारे घर में एक्स्ट्रा जो स्क्वैशेस होते हैं, सॉसेस होती हैं, केवल मैंने इसी में ही हैंडल लगवाया है, वो भी बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरत ही यहाँ पे हैंडल की, क्योंकि हम इसको यहाँ से इसमें जब सामान रखेंगे तो ये काफ़ी वेट आ जाएगा इसके अंदर, और ग्रॉसरी भी रखेंगे तो ये वेट हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो बिना हैंडल के खींचना जो है इसको ये टूट भी सकता था और डैमेज भी हो सकता था, इसीलिए जो है कारपेंटर ने यहाँ पर ये हैंडल दिए हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार मैं आपको पूरा इसका ओवरव्यू दिखा देती हूँ। और ये है फ्रेंड हमारी किचन का यूटिलिटी एरिया। बिल्डर ने यहाँ पर जो है कुछ भी नहीं दिया था, तो मैंने यहाँ पर स्लैब लगवाई और पुराना सिंक लगवा दिया और नीचे से कवर करा दिया, तो ये भी बहुत ही खूबसूरत हो गया है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा नया किचन आपको? अगर अच्छा लगा हो मेरा वीडियो और मेरा किचन, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और हाँ, शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। फिर मिलूंगी आपसे एक नई इंटरेस्टिंग रेसिपीज के साथ, जैसे ही मुझे फुर्सत मिलेगी मैं एक नई रेसिपी डालने वाली हूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय।